सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्रेडिक्ट जोन, यानी कि आप सेफ जोन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बरमूडा मैप में 5 जोन होते हैं टोटल, और पांचों जोन का अलग अलग टिप्स होता है, यानी कि फर्स्ट जोन के अलग अलग टिप्स, सेकेंड जोन के लिए अलग टिप्स, थर्ड के लिए अलग और फोर्थ के फिफ्थ के लिए अलग। तो पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपना टिप नंबर 1 के तरफ, जो आपको फर्स्ट जोन प्रेडिक्ट करने में, यानी कि फर्स्ट सेफ जोन कहाँ बनेगा ये पता करने में आपको हेल्प करेगा। तो फर्स्ट टिप, मतलब सबसे जो टिप नंबर 1 है वो सबसे आसान है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट जोन बनेगा वो फैक्ट्री, क्लॉक टावर, बीमा शक्ति एंड पीक के अंदर में बनेगा, और बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि पोचिनोक भी उसके अंदर में आ जाए, या पोचिनोक भी उसके अंदर में आ सकता है। लेकिन ये गारंटी है कि फैक्ट्री, क्लॉक टावर, बीमा शक्ति एंड पीक उसके मतलब जोन के अंदर में बने। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टिप्स नंबर 2 की तरफ, जो कि आपको सेकेंड जोन प्रेडिक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको आसानी होगी कि सेकेंड जोन कहाँ बनने वाला है। इस टिप को फॉलो करने के बाद आप आसानी से पता कर सकते हो कि सेकेंड जोन कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट जोन के बाद जो सेकेंड जोन बनेगा ना, उसका मिडिल में, यानी कि एकदम बीचों बीच मार्क नहीं करना है, बस उसका आगे पीछे थोड़ा लेफ्ट राइट आप कहीं भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि सेकेंड जोन कहाँ बनने वाला है। तो इसीलिए वो जो फर्स्ट जोन के बाद जो सेकेंड जोन बनता है ना, तो उसके लिए आप कहीं भी मिडिल में आसपास कहीं मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप आइडिया लगा सकते हो कि सेकेंड जोन कहाँ बनेगा, तो उसके लिए आप बीचों बीच तो नहीं लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके मार्क कर सकते हो, इसी से आप अपना सेकेंड जोन का पता लगा सकते हो। ये मैं इसीलिए बोल रहा क्योंकि हम जोन को बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई, ये नहीं कि हम डायरेक्टली बता सकते या परफेक्टली बता सकते हैं कि हाँ भाई इस बीच में जोन बनने वाला है। और ये बात आपको मैं ही नहीं बल्कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता है कि परफेक्टली जोन कहाँ बनेगा। हम बस प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ भाई कहीं इस बीच जोन बन सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए आप मत सोचो कि आप सीधे फर्स्ट जोन से लेकर लास्ट जोन तक एक जगह में जाके बैठ जाएंगे, ऐसे कभी भी नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज जब तक फर्स्ट जोन ना बने ना, आप सेकंड जोन का पता नहीं लगा सकते, और जब तक सेकंड जोन ना बने आप थर्ड जोन का पता नहीं लगा सकते, वैसे ही फोर्थ जोन का भी और फिफ्थ जोन का भी, जब तक थर्ड जोन ना बने आप फोर्थ जोन का पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये नहीं कि आप फर्स्ट जोन बनने से पहले आप सोच रहे हो कि लास्ट जोन कहाँ बनेगा, परफेक्टली मार्क करेंगे, वहाँ जाके हल्का सा लूट करके वहाँ जाके बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। ये कुछ बेसिक टिप्स है जो आपको याद रखना होगा अपना नेक्स्ट सेफ जोन पता करने के लिए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपना टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों टिप्स नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से पता लगा सकते हो कि थर्ड जोन कहाँ बनेगा। तो थर्ड जोन पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना मैप में देखिए, उसके बाद में जो एरिया टोटली कवर्ड है, जैसे कि अगर पीक हो, बीमा शक्ति हो, फैक्ट्री हो, क्लॉक टावर हो, पोचिनोक हो, जो भी एरिया टोटली कवर्ड है, यानी कि वो सेफ जोन के अंदर में है, आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई ये एरिया जो है जोन यही बनने वाला है, यही कहीं आसपास बनने वाला है। तो यहाँ पर आप मेरा इस गेम प्ले में देख सकते हो, यहाँ पर जो जोन है वो पीक को पूरा कवर करके रखा था, तो इसीलिए मैं पीक के अंदर में ही रह गया, क्योंकि मुझे पता था ये जो पीक को पूरा कवर करके रखा है तो वो जो सेफ जोन है वो पीक के अंदर में ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टिप्स नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों टिप्स नंबर 4 में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों टिप्स नंबर 4 में आपको टिप्स नंबर 2 को फॉलो करना है, यानी कि टिप्स नंबर 2 में जो मैंने आपको बताया था आपको सेम टू सेम वही फॉलो करना है, यानी कि आपको बीचों बीच मार्क करना है। बीचों बीच मतलब सीधा बीचों बीच भी मार्क नहीं करना है, आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, तो इस तरह से आप फोर्थ जोन का पता आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि वो फोर्थ जोन भी इतना आसान नहीं होता है कि आप कहीं भी उसका मतलब परफेक्टली आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको उसका सेंटर ले लेना है, उसका आगे पीछे थोड़ा राइट लेफ्ट करके आप उसको मार्क करके वहाँ जाके आप बैठ के आसानी से कैंप कर सकते हो, या तो फिर कवर लेके बैठ सकते हो। तो दोस्तों ये तो था अपना टिप्स नंबर 4, अब बढ़ते हैं अपना टिप्स नंबर 5 की तरफ।
तो दोस्तों टिप्स नंबर 5 का मतलब है फिफ्थ जोन का पता लगाना। और फिफ्थ जोन का पता लगाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फिफ्थ जोन का कोई आइडिया नहीं होता भाई, कहीं भी जाके बन जाता है, कभी बीच में बन जाता है तो साला कभी कोना में जाके बन जाता है। तो दोस्तों आप फिफ्थ जोन का पता बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए आपको इस टाइम में जब फिफ्थ जोन बनने वाला रहेगा, इस टाइम में आपको जोन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपना फाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि आप ही वो जो लास्ट जोन है उसके अंदर में आप कैसे फाइट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसको जीत सकते हैं या हार सकते हैं। क्योंकि फिफ्थ जोन का पता करके अभी आप थोड़ी ना कहीं पर जाके बैठ के छिप सकते हो, वहाँ पर तो आपको बीचों बीच आना ही होगा और अपना फाइट पर निर्भर होना ही होगा, और आपका फाइट ही डिसाइड करेगा कि आप मैच को जीतोगे, बुया करोगे या फिर हार के चले जाओगे। अगर फिफ्थ जोन में आगे अगर हार भी जाओगे या फिर मर जाओगे तो भी टॉप 10 के अंदर ही आ जाओगे, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्लस भी हो जाएगा, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाना, और अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो ज़रूर बताना।